कोरोना टू फटा पोस्टर निकला हीरो मिस्टर राजकुमार संतोषी हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट कंटेंट इन द बिग स्क्रीन एंड नाउ ही इज बैक लेडीज एंड जेंटलमैन विद गांधी गॉडसे एक युद्ध. सो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू शेयर द स्टेज विद यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अमेजिंग मूवी. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एड्रेस द प्रेस. नमस्कार आप सबको, मुझे बड़ी खुशी है आप लोग यहाँ आए एंड मेरे साथ शेयर किया आप लोगों ने ये विजुअल्स जो भी देखा आपने. एंड मैं दीपक अंतानी जी जिन्होंने गांधी का रोल किया उनको मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ. एंड मुझे अच्छा लगा लोग आए थे. गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर है, अमर रहेंगे ये तो कोई शक नहीं है. और गांधी जी बहुत बड़े शख्स हैं तो मुझे भी उनसे कोई उनका अवमान ना करना या उनके बारे में बुरा कहना ये मेरा भी इरादा नहीं था. मैंने सच पेश करने की कोशिश की है. और मैं यहाँ हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ललित जी, उनको भी बुलाऊंगा. उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया इस फिल्म में और इनक्रेज किया कि ऐसे सच बात लोगों से कहना चाहिए. जब इन्होंने जाना तो जुड़ गए हमारे साथ. एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो जब इन्हें सोचा है फिल्म बनानी है, एक प्ले पे आधारित है गोडसे एट गांधी डॉट कॉम, जब तय किया कि फिल्म बनाऊंगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल. कैन यू हियर मी और आई एम ऑडिबल? अच्छा लाइट चाहिए या मेरी आवाज़ तक ही सीमित रहे यार मेरे को देखने के लिए? चलो ठीक है, लाइट भी दे दिया आपने मुझे. हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक द फिल्म, ये तय कर लिया था कि मैं गांधी जी और गोडसे जी दोनों के साथ इंसाफ करूंगा और बिल्कुल विदाउट बीइंग पार्शियल टू एनीबॉडी, किसी का साथ नहीं, दोनों की बात को रखूंगा. और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयास में मैं काफ़ी सफल रहा. सेंसर भी पिक्चर हुई, दो बार सेंसर हुई और सेंसर में भी मुझे बहुत सराहना किया लोगों ने, जिन लोगों ने देखा. हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है और इसमें डायलॉग गांधी जी के जो डायलॉग हैं वो गांधी जी ने जो बोले हैं जो अपनी किताबों में लिखे हैं वही हमने रखा है. और गोडसे जी का भी जो संवाद है वो उन्होंने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है उन्हीं में से हमने जो है डायलॉग्स बनाए हैं. सिनेमेटिकली ड्रामेटिकली हमने उसी को रखा है जैसे गोडसे जी खुद कह रहे हैं. ओके नाउ अभी दीपक जी को मैं माइक दे रहा हूँ. इन्होंने गांधी जी का रोल किया है और जीवित कर दिया गांधी जी को पर्दे में. कई एक्टरों ने पहले भी किया है बट मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी ने इंसाफ किया उस कैरेक्टर के साथ. और कई लोगों ने जब बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही थी पिक्चर की, पोस्ट प्रोडक्शन हो रही थी, सब लोगों का कहना था कि दीपक जी इतने क्लोज हैं, लोग को कन्फ्यूजन जाएगा गांधी जी और दीपक अंतानी में. ओके एंड उसको माइक दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है एक सेकंड. दीपक जी आप क्या कहना चाहते हैं बता दीजिए, देन दे कैन क्वेश्चन एंड वी विल आंसर देम. मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है. मेरे लिए तो किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसे दिग्गज बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का ड्रीम होता है एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है. और मैं इनके पास से एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखा हूँ. ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद एक स्कूल है, तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे स्वीकृत करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलाएंगे. और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार की फिल्म बनाने का वो सफल रहेगा. थैंक यू. अच्छा अभी मैं नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ललित जी जो हमारे दोस्त हैं उनसे कहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें आपसे, वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में. जय हिंद, जय श्री राम. मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो सीन में दिखाया गया था कि पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुओं को खदेड़ के निकाला, तो मैं उस परिवार का पीड़ित व्यक्ति हूँ और गोडसे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ. गांधी जी का विरोधक नहीं हूँ पर गोडसे जी का समर्थक हूँ क्योंकि 70 साल तक उनकी आवाज़ दबाई गई. तो इस मर्द के बच्चे ने जब ये पिक्चर के ऐलान किया तो मैंने कहा कि सर तन मन और धन से हम आपके साथ में हैं. गोडसे की सच्चाई, हिंदुत्व की सच्चाई लोगों के सामने रखिए, उसका निर्णय जजमेंट लोगों को लेने दीजिए.
हम जज नहीं है, जज 130 करोड़ जनता है, तो बस इसके लिए इनके साथ में जुड़ा हो। थैंक यू ललित जी, और वही प्रयास हमने किया है। गांधी जी अमर रहे। अरे गांधी अमरी है, गांधी जी। अरे गांधी अमरी है, तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे अरे तुम लौंडे चार बोलने से कुछ होएगा क्या? अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? हाँ ठीक है ठीक है जी। अरे निकालो लोगो, बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। प्लीज 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 शांत रहिए, प्लीज शांत शांत हो जाइए। बोल दिया, प्लीज प्लीज जरा शांत, जरा शांत हो जाइए प्लीज। हाँ साहब, मेरी नहीं चलेगी, आपने दादागिरी दिखाएंगे तुमको। ठीक है, दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए मैं हिंदू बहुत सहनशील होता है भैया। नहीं नहीं ठीक है भाई, अमर रहेंगे। आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे, और अमर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम तो ये कुछ लोग हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पोर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने भी कदम उठाया, उसके हिसाब से उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज़ कृपया करके मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूँ, वो हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज़ एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश के हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, ज़रा प्लीज़ मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूँगा कि वो एक बार देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा, उसे दबाने की क्या ज़रूरत थी, किस बात का डर था? वो सुन लेते थे लोग। जाना, सच जाना हर इंसान का हक है, अधिकार है, और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया, तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं जानता नहीं हूँ। तो उसी सच को मैं सामने मंच पे ला रहा था, तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं? जैसे गांधी जी के बारे में कई डायलॉग्स आप देखिए पिक्चर में, गांधी जी के विचार भी रखे हैं। जब बहस होती है, गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं, आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हैं हम। यही मेरा प्रयास था, और मैं समझता हूं ऐसे फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ में कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें लोगों को सोचने पर मजबूर करें, वही प्रयास किया है मैंने। और बाकी ये जो बोल रहे हैं, मैं भी गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ, क्यों गांधी जी का बुरा करेंगे? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और अपने आज़ादी पसंद करता हूँ। कि ऐसे मेकर मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैंने जिन लोगों को माना है, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे गोडसे जी के भी अपने विचार हैं हिंदुओं के लिए, वो गलत है सही पिक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ही व्हेन आई रेड द हिस्ट्री ही वॉज वेरी मूड, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड कि पार्टीशन के बाद में हजारों लाखों लोग बर्बाद होकर आए पाकिस्तान से, कट गए, मर गए, और वो दिल्ली में सड़ रहे थे, सर्दी में भूख से मारे मर रहे थे। तो गोडसे जी को बड़ा फील हुआ कि एक तरफ में ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देना चाहिए, अरे वो 55 करोड़ इन पे खर्च करो, इनको छत दो, इनको रोटी दो, इनको कंबल दो, इनका ख्याल रखो जो वहाँ से बर्बाद होके आए हैं। तो कौन सा गलत सोचा उन्होंने? तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो किसी बात नहीं कर पा रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जो भी है, ये फिल्म में मैंने दोनों पक्ष रखे हैं, अभी आप देख लीजिए और देखने के बाद में अपना डिसीजन लीजिए। अभी आपको किसी से मेरे से सवाल करना है तो मैं खड़ा हूँ, मुर्दाबाद बोलेंगे तब भी मैं खड़ा रहूँगा, जाऊँगा नहीं। तो आप लोग जो ठीक लगे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, ललित जी से पूछ सकते हैं। चिन्मय मांडलेकर भी आने वाले थे लेकिन वो पुणे में फंस गए हैं, किसी शूटिंग में रह गए हैं। खैर वो कभी भी आ जाएंगे, व्हेनेवर नेक्स्ट
पिक्चर देखने के बाद में मैं चाहूँगा एक और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब बात करने में मज़ा आएगा। आपने पिक्चर देख ली होगी, तब उस वक्त आपकी जो भी शिकायत है, आपको लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का साइड ले लिया, गांधी जी का साइड लिया, गोडसे जी का साइड लिया, किसी के साथ गलत किया है, अगर आपके बातों से मुझे लगा कि नहीं आप सही हैं, तो मैं दिल से आप सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। मैं कतराऊँ, गलती नहीं करूँगा, मैं गलती मतलब मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं बेशक मैं मान लूँगा गलती, अपने माफ़ी मांगूँगा आप लोगों से। अब मेरा मानना ये भी है, गांधी जी बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन इंसान वो भी हैं, गोडसे जी भी इंसान हैं। मैंने पहले ही सोचा था कि भाई गांधी जी भगवान नहीं तो इंसान हैं, गोडसे भी शैतान नहीं है, वो भी इंसान है, और दोनों ने अपने अपनी बातों के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से जो सही लगा वो किया, जो सही लगा वो कहा। अब आप मुझसे जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, प्लीज कोई माइक दे वहाँ पे। आपने बहुत सालों से फिल्में बनाई हैं, क्या आपको सब्जेक्ट क्यों अभी याद आया? क्या लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी आप मेरा करियर आप देखिए ना, घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी, अगर मेरे जगह कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल फिर आया घायल, छोड़ेगा नहीं घायल। लेकिन मैंने उसके बाद में दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है, मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए, एक औरत दूसरे औरत का काम आती है, एक औरत दूसरे औरत का सहारा बनना चाहिए, और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना अपना, वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है, कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, वो पढ़ते, हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था मैं उसके बारे में, अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, सिर्फ इतने जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है भगत सिंह ही है लोगो, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स हैं, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों के टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया, वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ है, नोबडी नोज इस आर्ग्यूमेंट, क्यों किस लिए? तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, वो जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है, और गोडसे जी के ऊपर और कितने अपराध लगे हुए हैं, किस किस को उसने मारा या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूँ। और गोडसे जी के घटना के हत्या के बाद में पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी कई लोगों के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़फोड़ किया गया, वो कौन लोग थे, उन पर कितने लोगों पर चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, गोडसे जी ने जो किया अदालत ने फैसला किया उनको फांसी हो गई, उन लोगों का क्या, मासूम इनोसेंट लोगों को उन लोगों ने मारा, वो क्राउड वो क्या था, वो मॉब कौन थे, वो मॉब क्यों उन लोगों पर जुल्म किया, कसूर गोडसे ने किया, अगर उनको लगता है गोडसे ने अपने आप को सरेंडर किया, ही वॉज रेडी टू फेस, वो भागना नहीं चाहते थे वहां से क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था, जो भी किया सही किया गलत किया वो तो लोगों पर छोड़ दिया मैंने, लेकिन उनका कॉन्शियंस क्लियर था, ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम से डरते नहीं थे, बम फेंक के भागने वाला आदमी नहीं था गोडसे जी, वो सामना करना चाहता था और वो अपनी वजह बताना चाहता था। और आज इतने सालों के बाद में जिस तरह से गांधी जी के फॉलोअर्स हैं उसी तरह से मैं देख रहा हूँ गोडसे जी के लिए भी सहानुभूति है, उसके लिए भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट मेरी कोशिश ये थी। सॉरी आपका जवाब ये था कि मैंने कोई वक्त देखे, पार्टी देखे, ये नहीं किया मैंने फिल्म। राज जी दो तीन चीज़ें हैं जो एक ही सवाल से जुड़ी हैं, एक तो पता चला कि आप पे कुछ हमला हुआ जो चेहरे पे आपके चोट के कुछ निशान दिख रहे हैं, हाँ जी, वो कौन लोग थे, और ये जो अभी आए थे ये कौन लोग थे, मतलब ऊपर से साथ में ये भी खबर है कि भोपाल वगैरह में भी फिल्म को ना रिलीज़ होने की के लिए ये किया जा रहा है, उसको बैन करने की मांग की जा रही है, या जैसे औरंगजेब करता था ना वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा, ये मेरी जबान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज ना हो, थिएटर्स ना मिले, जो पहले औरंगजेब कर रहा था भी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, ये मेरा वादा है। पिक्चर भी रिलीज़ होगी, हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी देखेंगे, ये पठान डिवाइड करने को देख रहे हैं,
हमारा देश 130 करोड़ का देश एक साथ है, हम साथ में ये पिक्चर को सर आंखों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी, क्या आपका भी जवाब यही है? मेरा ये कहना है, ये ललित जी में काफ़ी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ इनकी बातों को। मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे हैं गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए और कई धमकियाँ आई, मुझे भी धमकियाँ मिली, एंड फिल्म के लिए भी उन लोगों ने धमकी दी कि जिस थिएटर में फिल्म लगेगी उधर आग लगा देंगे, मार देंगे, लाठी लेके आग लेके सड़क पे उतर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर सचमुच वो गांधी जी के फॉलोअर होते, गांधी जी के आदर्श अहिंसा सच्चाई एंड शांति पर विश्वास करते हो, तो क्या ये रास्ता अपनाते कि हम थिएटर को जला देंगे, पुतला जला देंगे, राज जी को मार देंगे, राज जी मुर्दाबाद करते जाएंगे? यकीनन ये गांधी जी को समझते नहीं हैं, ना ये गांधी जी के फॉलोअर हैं। इनसे ज़्यादा गांधी जी को मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने दो फिल्म बनाई है, दामिनी एंड घातक, दोनों फिल्म गांधी जी के कथन पे बेस करके बनाई थी मैंने। गांधी जी का कथन था, दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना ज़मीर, ज़मीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं, उसी पे बेस करके मैंने दामिनी फिल्म बनाई। घातक भी उसी तरह से, इफ़ आई हैव टू चूज़ वन बिटवीन वायलेंस एंड कावर्डाइज, आई विल चूज़ वायलेंस। आई विल स्टैंड प्राउड विद ब्रोकन लिम्स एंड बैंडेज हेड, देन क्रॉल ऑन द ग्राउंड हेल एंड हेल्दी। ये सब गांधी जी का कोट है कि बुजदिली और अहिंसा में बहुत फ़र्क है। कई लोग अपनी बुजदिली अहिंसा के आड़ में छुपाते हैं। गांधी जी का अपने एक कैरेक्टर था, उनका एक क्लैरिटी थी, उसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं, तो मैं इनको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांधी जी फियरलेस थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, तभी तो इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। उसी तरह से गोडसे भी निडर है, फियरलेस। उस वक़्त जिसे फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी, उन पर गोली चलाने की हिम्मत रखना और अपने आप को कानून के हवाले कर देना बहुत बड़े कलेजा चाहिए। उन अंजाम से वाकिफ थे वो, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक बिलीफ था उनका, एक विश्वास था, उनके अपने जो फिलॉसफी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उस पर कायम थे, उन्होंने किया। तो जब मैंने इन दोनों पे फिल्म बनाने निकला, गांधी जी और गोडसे पर, अगर मैं सहम जाऊँ, मैं डर जाऊँ, तो कैसे इंसाफ करूँगा इनके साथ? तो फिल्म बना के आगे निकल जाऊँगा। मुर्दाबाद गए वो भी स्वीकार है, जिंदाबाद गए वो भी स्वीकार है मुझे। ये चेहरे पे जो चोट के निशान है, वो हमले का है कुछ? अभी मैं उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया। मैंने आपको कहा औरंगजेब और पठान, इसमें आप समझ जाइए सर, समझदार को इशारा काफ़ी है। औरंगजेब था, अब पठान है, तो पठान में कौन है उसका नाम यहाँ पे बोलना ठीक नहीं। बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, स्ट्रगलर्स हैं, बट हिम्मत वाले हैं। हम कोई बंगले के अंदर जन्नत या मन्नत में बैठ के ये सब नहीं चलाते, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, हिम्मत बहुत रखते हैं, हिम्मत है, सच्चाई बोलने की ताकत है। सर, आप सिर्फ पठान का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माता तो खुद हिंदू हैं। अरे भाई, पठान चला कौन रहा है? हिंदू चला कौन रहा है सर, चला कौन रहा है? तो विदेशी विदेशी ताकतों भी कुछ उनके साथ में है, वो होने दो। 27 तारीख को आप निर्णय करेंगे, जनता निर्णय करेगी, पब्लिक निर्णय करेगी। हमारा जो भगवान है वो जनता है, टिकट जनता खरीदेगी, डरा धमका के दबा नहीं सकते। एक सवाल आपसे भी, अभी आपने खुद कहा कि आप गोडसे के समर्थक हैं और फिल्म के निर्माता हैं, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। मैं गांधी का भी समर्थक हूँ और गोडसे का भी समर्थक हूँ, बट गोडसे का पक्ष नहीं रखा गया, बस उसके लिए मुझे पीड़ा थी। नहीं, फिर तो सवाल आपसे उठेंगे इस तरह के ना, कि जब आप गोडसे के समर्थक हैं तो जाहिर है कि आप गोडसे के समर्थन वाली ही फिल्म बनाएंगे, ना कि गांधी के समर्थन वाली। हमने बैलेंस फिल्म बनाई। देखो, फिल्म के डायरेक्शन में, राइटिंग में, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन सर का है, उसके अलावा बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा है। तो फिल्म राइटिंग में आर्टिस्ट, ये वो सब पूरा पूरा जो है काम सर का है। और ये बिल्कुल बैलेंस मूवी रखी है, महात्मा गांधी भी हमारे हैं और गोडसे जी भी हमारे, कि 70 साल उनकी आवाज़ दबाई गई, उस आवाज़ को आपके सामने रखना चाहते, फिर आप निर्णय लीजिए वो सही थे कि गलत थे। देखिए, हेलो, आपका जो ये सवाल है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, फिल्म जो बनाई है मैंने वो क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है, दोस्ती अपनी जगह पे है, इनकी राय अपनी जगह पे है। जो सोचा मैंने, जो सोचा है मैंने, जो डिसाइड किया मैंने, वही फिल्म बनाई है। और मैं थैंक्स बोलूँगा, ललित जी ने कभी मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ही नहीं की, वो तो फिल्म देखने के बाद में उनको लगा नहीं यार बड़ा अच्छी बात कही है, कि आज तक कोई फिल्म ही नहीं बनी है न किसी ने लाउड एंड क्लियर। एक दो बार लोगों ने मराठी में प्ले बनाई है, प्ले भी बैन हो गया था, बड़ा ड्रामा हो गया उसके ऊपर,
कुछ किताबें लिखी है, लेकिन रीच नहीं किया लोगों को। ये फिल्म एक्चुअली गोडसे के विचार, गोडसे के ख्याल लोगों तक पहुंचेगी। वो सही है गलत है वो तो आप निर्णय कीजिए ना, वो कौन मना कर रहा है, आप डिसाइड कीजिए, आप ओपिनियन बनाइए। और मेरी रिक्वेस्ट पूरी आवाम से, लोगों से यही है, फिल्म ज़रूर देखिए, बिकॉज आपको सोचने पर मजबूर करेगी। ए और देखने जब जा रहे हैं ओपिनियन बना के मत जाइए कि भैया ये जो है गोडसे के पक्ष में, गोडसे के लिए बनाई है या गांधी जी के विरुद्ध है। प्लीज़ ओपिनियन बिना ओपिनियन बनाए फिल्म जाके देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एंटरटेन भी होंगे, सोचने में मजबूर होंगे और खुश होंगे कि फिल्म आपने देखी है, दोनों के विचार को समझा है। प्लीज़ यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, आवाम से। और आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है मीडिया का, यही सही विचार, सही ख्याल जो भी ऑनेस्टली है ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है। मैं बहुत ही बहुत दिनों के, बहुत सालों बाद एक फिल्म बना रहा हूं मैं, तो आई डोंट हैव अ बिग बैंक बैलेंस, नहीं दे मेरे पास पब्लिसिटी में करोड़ों रुपया है कि करोड़ों रुपये का पब्लिसिटी करूँ। एक विचार है और विचार को नए लोगों के साथ में बड़ी मुश्किल से बनाई, पैंडमिक के टाइम पे शूटिंग किया, काफ़ी संघर्ष किया मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़रूर लोग देखें। और रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर दीजिए, देखने के बाद में जो भी कमेंट करना कीजिए, बट जाएंगे ओपन माइंड के साथ जाके देखिए फिल्म, यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से। और आपके थ्रू वो लोगों तक कनेक्ट करूँगा, लोगों तक पहुँचूँगा मैं। देखिए कॉम्पिटिशन क्या है, अभी मुझे बताइए, पठान एक अलग तरह की फिल्म है एंड व्हाट से बड़े स्टार की पिक्चर है, और शाहरुख खान बहुत ही मेहनती स्टार है, अच्छा स्टार है, और हमारे दोस्त भी हैं, हम एक इंडस्ट्री के हैं, और यश राज का बैनर है, वो भी बहुत बड़ा बैनर है, और यश जी हम सब बहुत मानते हैं, उनका बैनर है। और हमारे लिए 26 जनवरी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये देश हित में, देश में जो घटना घटी थी आज से 75 साल पहले, उस पर बेस किया है। और 30 जनवरी भी इसी वीक में है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 30 जनवरी के दिन ही ये घटना घटी थी जो गांधी जी की हत्या हुई, तो इसके लिए हमारे लिए ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पठान साथ में रिलीज़ हो रही है, वेल एंड गुड, जो पठान चाहते हैं वो एक दिन 25 तारीख को रिलीज़ हो रही है, वो देखेंगे, कई लोग वो देखने के बाद फिर ये देखेंगे, तो हम 26 को रिलीज़ कर रहे हैं, वो 25 को आ रही है पिक्चर, तो अपने अपने मेरिट पर फिल्म चलेगी, जो उनकी पसंद करेंगे वो पसंद करेंगे, जो हमारी फिल्म ठीक लगी हमारी फिल्म देखेंगे, तो कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। मुझे कुछ दिनों पहले इन जर्नलिस्ट लोगों ने किसी पूछा कि आप उसके खिलाफ आ रहे हैं, विरोध आ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, मैंने कहा क्लैश का कुश्ती थोड़ी कर रहे हैं उनके साथ में, हम अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, वो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंटरटेन करेगी आपको, और हमारी फिल्म जो है सोचने पर मजबूर करेगी, एट द सेम टाइम वेरी एंटरटेनिंग। आप ज़रा कल्पना कीजिए, ये जो फिल्म जो है ये पहली बार इंडिया में ऐसी फिल्म बनी है, अगर ऐसा होता तो क्या होगा, अगर गांधी जी बच गए होते उस अटैक से, उस असैसिनेशन अटैम्प्ट से बच गए होते तो क्या करते गांधी जी, वो गोडसे से मिलते, और गोडसे के सामने गांधी जी अगर आ जाते बरूबर और बातचीत होती तो क्या बातचीत होती, तो बहुत ही एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग है, एक बार आप देखेंगे तो नज़र हटेगी नहीं आपकी, क्योंकि दोनों चिन्मय मांडलेकर ने भी गोडसे को जिंदा कर दिया पर्दे पे, और दीपक अंतरंजन ने गांधी को जिंदा कर दिया, और दोनों के बीच में जो डायलॉगबाजी होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग भी है, ऐसा नहीं कि लेक्चर है या कोई उपदेश हो रहा, नहीं, तो आप खुश होंगे पिक्चर देखकर। सर आपको क्या लगता है कि पठान के पास एम पावर है, मनी पावर, हमारे पास पब्लिक पावर है, आपका पावर है, आपका आशीर्वाद है, 27 तारीख को सब सामने आएगा सर। सर हमारे पास आपका प्यार है, पब्लिक का आशीर्वाद है, मनी नहीं है, हम छोटे लोग हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, सर आपको क्या लगता है कि ये पठान ज़्यादा स्क्रीन ले रही है और आप लोग की फिल्म को स्क्रीन कम मिल रहा है, इसकी वजह से भी एक वो जैसे ललित जी बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को? नहीं देखिए ऐसा, पठान बहुत बड़ी बजट की फिल्म है और बहुत बड़ा स्टार है उसमें शाहरुख खान, तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रिंट मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा रिलीज होगा, और हमारे पास सिर्फ एक सच्चाई है, ट्रुथ है, और एक वोटर से एक सर कश्मीर फाइल के साथ भी ऐसे ही हुआ था। हाँ जी। कश्मीर फाइल को पहले वो थिएटर्स नहीं दे रहे थे, दबा रहे थे, आप देखिए दुनिया की सबसे बेहतरीन पिक्चर निकली, तो मेरे को विश्वास है सर जो आपने चीज़ बनाई है वो पठान को
3x 4x पार करके आगे जाएगी। नहीं नहीं, रेस पठान के साथ, आपके साथ में, ऑनेस्टली ये ललित जी के विचार है, थैंक यू वेरी मच, जनता साथ में, जनता पिक्चर देखे, पसंद करे, हमारा रेस नहीं है पठान के साथ में, पठान की अपनी तकदीर है, अपनी मेरिट के ऊपर फिल्म चलेगी, हमने जो किया है बड़ी ईमानदार, हमारे मेरे पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑनेस्टली सच्चाई था इन्वेस्टमेंट, वरना आज के तारीख में बिना किसी कॉर्पोरेट के मदद से, बिना किसी सपोर्ट के, बड़े इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के, मैंने कैसी फिल्म बनाई पैंडेमिक के समय, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, हाउ आई मेड इट एंड आई मेड इट फॉर द पीपल, क्या मेरे लिए क्या मुश्किल है, अंदाजा अपना मगर दो पार्ट बना लूँ, चार पार्ट अजब प्रेम जी गजब कहानी का बना लूँ, खाकी टू, खाकी थ्री, खाकी फोर बना लूँ, घातक फिर आया, मार बार आएगा घातक, तोड़ देगा घातक, मार देगा घातक, बनाने मुझे कौन रोक रहा है, क्यों मैंने बनाई ये फिल्म, क्योंकि मुझे लगा ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात नहीं हुई है और इसको लोगों के सामने लाना चाहिए, दैट इज व्हाट आई हैव डन इट, ये मेरी ईमानदारी है और ईमानदारी से मैंने फिल्म बनाई है। सर आपको आपको लगता है कि सर आज के दौर पे, आज के दौर में और सोशल मीडिया जो इतना मतलब कि वास्ट हो रहा है लोगों के ऊपर या हर एक फिल्म के ऊपर, सर आपको लगता है कि इस टाइम ऐसी फिल्म बनाना बहुत ही खतरों के उसमें था? तो मैंने पहले आपसे बता चुका हूँ कि जब गांधी जी और गोडसे दो निडर इंसानों के बारे में फिल्म बना रहा हूँ, बनाते हुए मैं ही डर जाऊँगा तो क्या पर्पस है, क्या फ़ायदा इसका, तो मुझे कोई डर नहीं है उस बात का, और मैंने फ्लेवर ऑफ द सीजन से फिल्म बनाई नहीं है कि ये मौका चल रहा है, ये मतलब ये सीज़न है, ये समर सीज़न है, इस पर कोल्ड ड्रिंक बहुत चलेगा, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बनाओ, मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरे मन में जो विचार आते हैं मुझे सही लगता है वो मैं बना देता हूँ, अंजाम से फिर मैं डरता नहीं हूँ। नहीं किया ये इसी, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, ये कॉन्फिडेंस है, वो फिल्म देखने के बाद में हम दोबारा फिर मिलेंगे, उस वक्त फिर आप मुझसे पूछना, मुझे यकीन है आप शाबाशी देंगे, राजी पक्षपात नहीं किया आपने। अच्छा पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं और फिर सर आप पे आते हैं। प्यार, प्यार एक छोटा सा एक अपना एक स्टोरी है, एक साइड ट्रैक है उसमें, जो मेन ट्रैक के साथ में बातें जुड़ जाती है, उस ट्रैक के ऊपर दोनों कैरेक्टर रिएक्ट करते हैं, गांधी जी भी अपने तरह रिएक्ट करते हैं और गोडसे जी भी अपने तरह से रिएक्ट करते हैं, वो छोटा सा ट्रैक है वो। सर मेरा पर्सनल जीवन है, प्रोफेशनल जीवन में आरएसएस कहाँ आती है, पर्सनल जीवन मेरे ग्रैंडफादर जब कराची में थे, पार्टीशन में निकाले गए थे तो स्वयंसेवक थे, पिताजी वही थे, टेंटों में रहते थे। नहीं सर वो मेरा प्रोफेशनल, सर आप व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मिक्स नहीं कीजिए, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा प्रोफेशनल जीवन है सर। सर सर ऐसा है, आरएसएस जो है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरा प्रोफेशनल जीवन जो है उसमें दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ सर। मैं तो गांधी जी को गांधी जी बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बैलेंस मूवी बना रहा हूँ, मैं कोई गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, गांधी जी महात्मा थे, हैं और रहेंगे, सिर्फ गोडसे जी के जो 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 सच्चाई दबाई गई थी उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं सर। क्या नहीं हर मिया, तो आपने जो पूछा है कि भैया ये आरएसएस के हैं या ये साथ में है, आप जो हैं दीपक अंतानी जी, मोर देन 500 रोल्स गांधी जी को इन्होंने जिंदा किया, लिम्का अवार्ड्स में इनको पुरस्कार भी मिला है गांधी जी को, और गांधी जी को आदर्श मान के इन्होंने कई छोटी छोटी आदतें जो गलत आदतें थे छोड़ दी, गांधी जी को मानने वाले ये मेरे राइट साइड में खड़े हुए हैं। ओके तो अगर ऐसे गलत बात कह रहे थे तो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं खड़े होते थे, ये गुजराती है, गांधी जी के जो जन्मभूमि है वहीं इनका जन्म हुआ है, तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि भैया ऐसी बात नहीं है। और अभी क्या फिल्म अभी 4 दिन में रिलीज़ हो रही है, देखिए फिल्म देखिए और यकीन कीजिए, ऐसा डायरेक्टर मैंने बड़े जिम्मेदारी के साथ काम किया है, आप सब ने मेरी फिल्म देखी है, मैंने कभी अश्लीलता नहीं रखी है, कभी किसी लड़की के कपड़े उतार के नंगा नाच नहीं कराया, कभी मैंने एक्सट्रीम वायलेंस नहीं दिखाई पिक्चर में, आज तक सारे जो फिल्में मुझे यू सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट सर्टिफिकेट, एडल्ट पिक्चर आज तक नहीं बनाई मैंने कि किसी बहाने कि ये भी एक पहलू है ज़िंदगी का, एडल्ट पिक्चर बना दिया, सेक्स पे पिक्चर बना दिया, नहीं किया मैंने, इसीलिए शायद अपना जो कमर्शियल रेस में मैं ज़रा पीछे रहा हूँ, क्वाइट रहा हूँ, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, पार्टी में जाता नहीं हूँ, मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे मीडिया की ताकत को समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं मीडिया से अभी भी जो बात किया मैंने हमेशा लोगों के हक, लोगों के हित में क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैंने बात किया है, तो प्लीज़ फिल्म देखेंगे आपके सारे जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे आपके इनसे। किससे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ मुझसे, हाँ आवाज़ कम सुनाई दे प्लीज़।
किसे? वो इन्होंने बात कही। हाँ हाँ सर, एक मिनट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, हम आपको माइक, ये माइक दे रहे हैं आपको सर, माइक लेके। किसको? कश्मीर फाइल्स को। हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये जो है ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग जितना फिल्म को सराहेंगे पसंद करेंगे उसी से एक अपील होगा गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा भैया इसको टैक्स फ्री कर दो, अच्छा नहीं लगता। मैंने उस अपेक्षा से ना फिल्म बनाई है। जब हम फिल्म बनाते हमारे जहन में, मेरे लिए, मैं अपनी बात करता हूँ, ना अवार्ड दिमाग में रहता है ना मेरे दिमाग में कोई टैक्स फ्री वगैरह रहता है। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक ही बात रहती है और उसी के बारे में सोचता हूँ, वो है जनता। जो अपने हार्ड अर्नड मनी, आजकल टिकट का क्या प्राइस हो गया, टिकट का क्या रेट हो गया, एक परिवार जाके फिल्म देखती है तो 150 से 2000 रुपये खर्च हो सकते हैं। तो उस पैसे का मैं ध्यान रखता हूँ कि वो फिल्म देखने के बाद में निराश नहीं होना चाहिए, उनका पैसा बर्बाद हुआ है। दे शुड फील हैप्पी, दे शुड फील सेटिस्फाइड। इसीलिए मैंने आज तक 8 फिल्म नहीं बनाई है कि भैया मेरा पर्सनल टेक है। अरे पर्सनल टेक है, कविता लिखूंगा, किताब लिखूंगा। जब पिक्चर की बात आती है, जहाँ लोग पैसे खर्च करके घर से आके देखते हैं, तो उनका एक मेन मुद्दा होता है फिल्म एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर वायलेंस को बढ़ावा दो या अश्लीलता दिखाओ, सेक्स दिखाओ, इसका भी खिलाफ हूँ मैं। हेल्दी एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ तो आप मेरी फिल्म देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आजा प्रेम जी गजब कहानी देख लीजिए, पुकार देखिए, चाइना गेट देखिए, खाकी देखिए, आप सब में हेल्दी एंटरटेनमेंट है। हर जॉनर में मैंने फिल्म बनाई है, हर विषय पे, अलग अलग विषय पे फिल्म बनाई है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखा है कि गलत बात नहीं करूं, कहीं मेरे फिल्म से कोई भी गलत दर से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, हिंसा करने बने आ जाए, अश्लीलता देखकर कहीं। मैं औरतों का बड़ा सम्मान करता हूं, इसीलिए मैंने दामिनी बनाई, लज्जा बनाई। मुझे लगता है कि उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए, मीडिया का बड़ा योगदान होना चाहिए। जो जुल्म औरतों पर हो रही है, लड़कियों पर हो रही है, आए दिन पढ़ते हैं दिल टूट जाता है मेरा। मैं सोचता हूँ क्या हो रहा है, और मैं ये नहीं सीमित हूँ कि औरत मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की औरतें। मैंने बीच में एक न्यूज़ कटिंग देखी, मैंने अपना अफगानिस्तान में औरतें क्लासरूम बैठ के लड़कियाँ रो रही हैं क्योंकि उनको पढ़ने के लिए नहीं दे रहा, बैन हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भी यहाँ से हमारे देश की औरतों को आवाज़ उठानी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। पूरी दुनिया की औरतों को फील होना चाहिए कि लर्न, एजुकेट करना, पढ़ना सीखना, ये हर इंसान का पहला हक है, वो हक क्यों छीना जाए उनसे। तो ये जो है, ये टुगेदरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे जवाब यही है कि फिल्म बनाते हुए अगर मैं कोई पर्पज़, कोई उद्देश्य को लेकर फिल्म बनाता हूँ, बड़े बड़े जोश और ईमानदारी से काम करता हूँ, एंटरटेनमेंट करता हूँ, अंदाज अपना में उसमें भी कसर नहीं रखता हूँ, उसके साथ ही पूरी ईमानदारी रखता हूँ कि आज उसको भी कल्ट फिल्म मानते हैं। तो यू कैन सी द डिफरेंस। भगत सिंह के बनाता हूँ, भगत सिंह के साथ ईमानदारी। मुझ पर यह भी अपना तुषार गांधी जी का मैंने बीच में आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ गलत ढंग से पेश किया गांधी जी को। मैं नहीं, वाई शुड आई डू दैट? गांधी जी के नाखून के बराबर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैं कौन हूँ? जो इतिहास में दर्ज है उसी चीज़ को मैंने फिल्म में दिखाई है। उस टाइम पे कई लोगों ने गांधी जी पे आरोप लगाया, उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया, काला गुलाब पेश किया। जो भगत सिंह में देखा आपने, सबका मानना था कि अगर गांधी जी जिद पे आ जाते शायद भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी। तो आई थिंक हिस्ट्री को समझना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इतिहास से सीखना चाहिए, जो गुजर गया उसे सीख के आज उस पर विचार करके आने वाले कल को सुनहरा बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि हम हिस्ट्री को बार बार रिपीट ना करें। यही कोशिश रहती है मेरी, इसीलिए फिल्म बनाई मैंने। सॉरी वापस सुनाई नहीं देना, ललित जी चाहते हैं माइक। ओके, लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। यस सर, सर मेरा दिल जानता है, सर मेरा दिल बिल्कुल देखिए सर, वो तो डेमोक्रेसी आप बिल्कुल देखिए, पर जिस तरह से मुझे और भाई साहब को दबाने का, सप्रेस करने का, इंटरनेशनल प्रेशर लाने का वो कर रहे हैं ताकि हमारी पिक्चर रिलीज ही ना हो, हमारी पिक्चर फरवरी में चली जाए, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना भाई समझा, इसके लिए थोड़ा एक्सप्रेस कर लिया। बाकी हमने तो कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की होगी उनके अगेंस्ट, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम मिडिल क्लास के छोटे लोग हैं सर।
अपनी खुद के पूंजी से पिक्चर बना रहे हैं, हमारे पीछे कोई कॉर्पोरेट नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं, तो अगर वो सप्रेस करने को हमको दबाने को देख रहे हैं तो सर दबने वाले हम नहीं हैं, ये क्लियर है, ईमानदार है और ताकत से खड़े रहने की रखते हैं, चाहे वो पठान हो चाहे कोई भी हो सर। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी मैं नहीं लिया मैंने, क्योंकि हिंदू भाई जितने भी हैं, जैसे उन्होंने कहा है, लोग हैं हिंदू भाई क्यों, मुसलमान भी, मैंने जो फिल्म बनाई है कुछ फिल्में खाकी वगैरह में, उनके हक के लिए बात किया है, मैं सही मुसलमान का भी साथ देता हूँ, सही हिंदुओं का भी साथ देता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी लोगों के सामने ले आए, तो पुलिस से ज़्यादा प्रोटेक्शन तो आवाम है, क्राउड है, बिल्कुल, पीपल आर द मेजर स्ट्रेंथ। अजीत गांधी जी के लोग बात करते हैं, गांधी जी कौन से चार मशीन गन लेके गार्ड ब्लैक कैट कमांडो के साथ घूमते रहे, कोई बता सकते हैं गांधी जी के जो फॉलोअर यहाँ बैठे होंगे, या लोग मैं कह रहा हूँ, लाठी लेके अकेले चलते थे क्राउड के बीच में, ये जानने के बावजूद ही गोडसे जी से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर, गांधी जी ने कभी प्रोटेक्शन लिया नहीं, पुलिस आर्मी चाहिए करके, और सच बोलने के लिए क्या डरना, और सच जिससे बोला, चाहे मैंने अपनी फिल्म में सच्चाई दिखाई हो या जिसने भी किया है, तकलीफें आती है, रुकावटें आती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों पर, आवाम पर, वो फाइनली सच का साथ देंगे, जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो जो होगा अच्छा होगा वो उनके हाथ में है, वो देखेंगे जो सही है वो फल मिलेगा। हेलो हेलो, हाँ जी, दिल से वो फिल्म देखेंगे, बिना फिल्म देखे आपका ऐसे फ्री 1000 रुपया मुझे टिकट दीजिए पहले, तो उसके बाद मैं कान में बताऊंगा आपको। ललित जी, I want to ask Deepak ji one question. Lalit ji, एक सवाल आपसे। एक मिनट। Can you stop? Let me ask Deepak ji a question. Nobody is asking him. I want to ask him a question. Deepak ji, you have done a lot of films where you have played Gandhi ji. How different was it working in Santoshi's with Mr. Santoshi, and how different is this Gandhi from the other Gandhis that you have done? आज तक जो मैंने पहले किया है वो ये स्केल का नहीं था, ये कैनवास का नहीं था, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़े डायरेक्टर है, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक किया उनसे, और कंटेंट के हिसाब से जो आज तक किया वो हिस्ट्री में जो घटना घट चुकी है, जो बन चुके हैं, वही री इनेक्ट किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी और गोडसे कभी मिले नहीं हैं, पहली बार कोई ऐसा सब्जेक्ट के साथ काम किया जहाँ गांधी और गोडसे से मिल रहे हैं, सो दैट वे ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, आरोप करते हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, डायलॉग्स नहीं होते हैं। ये फिल्म में पहली बार ऐसा है कि दो आइडियोलॉजी के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही समस्या का हल निकलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुलझी हुई फिल्म है, और बहुत ही ऑनेस्ट प्रयत्न किया है राज जी ने, हर एक फिल्म मेकर का सोसाइटी की ओर एक कंट्रीब्यूशन देने का उसका एक जिम्मेवारी होता है, और मेरे ख्याल से राज जी ने ये जिम्मेवारी बहुत सही समय पर अदा की है, और इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर चलता है एवरीथिंग, और उसी हिसाब से फिल्म बनाता हूँ, लेकिन दो फिल्म, एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह और एक गांधी गोडसे, ये मैंने रोजी रोटी के लिए नहीं बनाई है, ये मैं एज अ डायरेक्टर इस मिट्टी का रोटी खाता हूँ, इसी मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है, महाराष्ट्र मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा सब कुछ परवरिश हुई है, तो आई ओ समथिंग टू द पीपल, आई ओ समथिंग टू द लैंड, देश के लिए, तो ये दोनों फिल्में मैं सर्विस के जैसे मेरे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता था, इसीलिए लेजेंड ऑफ भगत सिंह बड़ा रिस्क उठाया मैंने, और गांधी गोडसे में भी बड़ा रिस्क उठाया, मैं चाहता था किसी स्टार को कास्ट कर सकता था जो चल रहे हैं, आजकल सारे फिल्म मेकिंग जो हो रही है ये OTT में ये चलेगा, ये थिएटर में ये चलेगा, दैट इज़ हाउ द प्रपोजल इज मेड, आई ट्राई टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म, इसीलिए पहले मैंने तय कर लिया था जो गांधी का रोल करेंगे वो हम गुजराती एक्टर लेंगे, जो गोडसे जी का रोल करेंगे वो मराठी एक्टर लेंगे, और मोस्टली नए लोग लेंगे जिससे पहले नहीं आए, ताकि लोगों को गांधी जी नज़र आए, गोडसे जी नज़र आए, आम्बेडकर साहब नज़र आए, तो लाइक दैट, तो वो प्रयत्न किया है। स्क्रीन प्ले में भी, स्टोरी टेलिंग में भी
हिंदुस्तान के पर्दे पे हिंडन सिनेमा में लोग कहते हैं सेंसर बोर्ड ने कहा ऐसी फिल्म बनी नहीं है, हम वेस्ट में फिल्म बनी है कि अगर हिटलर वॉर जीत गया होता तो क्या होता दुनिया में, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से अपने आप में एक नई कोशिश है, अब पहले बार ये प्रयास हो रहा है, वॉट इफ, क्या अगर गांधी जी बच गए होते तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परिवर्तन होते और किस तरह का चीज़ें चलती और गोडसे जी अगर मिलते तो क्या होता, गांधी जी से गोडसे इन्फ्लुएंस होता या गोडसे से गांधी जी इन्फ्लुएंस होते, या दोनों पे क्या असर होता, दोनों की सोच में क्या बात होती, क्योंकि क्लैश होता है जब जंग होता है, लड़ाई होती है, दोनों तरफ जो है चोटें लगती है, दोनों तरफ पे फर्क आता है, तो वो सारी चीज़ें पहली बार कोशिश की है, प्रयास किया है और लोगों के सामने ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि कुछ तकलीफें आ रही है, अभी भी तकलीफें आ रही है, जैसे ये कह रहे हैं प्रॉब्लम्स हो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और मेरे इस कोशिश में PVR जो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बहुत साथ दे रहे हैं, हिम्मत से मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे ये सिनेमा अच्छे ढंग से, मेरी फिल्म लोगों तक पहुँचे, तो फिर मैं लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फिल्म देखने से पहले कोई ओपिनियन मत बनाइए, प्लीज़ डोंट मेक एन ओपिनियन, मैं सिर्फ यही इल्तिजा करता हूँ, फिल्म देखने के बाद में बिल्कुल नारे लगाइए राजकुमार संतोषी मुर्दाबाद, जो लगाना है नारे लगाइए एंड कोशिश करना है, फिजिकल कोशिश मत करना मारने मारने के लिए, क्योंकि वो गांधी जी के फेवर में भी नहीं है, वो गांधी जी के फेवर में नहीं है। थैंक यू सर। विचारों का युद्ध तो यूं ही चलते रहेगा दोस्तों, लेट्स वॉच इट ऑन 26। एक लास्ट क्वेश्चन ललित जी, एक लास्ट सवाल आपसे ललित जी, एक मिनट लास्ट सवाल है कि आप क्या नागपुर में स्क्रीनिंग या कहीं पे कर रहे हैं RSS मुख्यालय, या क्योंकि वो सबसे बड़ी ऑडियंस अगर आपके उससे है तो वही है। और सर RSS का इस पिक्चर से कुछ भी लेना देना, ये देश की पिक्चर है और हम नागपुर में क्यों करेंगे, हम मुंबई में कर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है, नागपुर में हमको अगर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कोई मुख्यालय में या किस कोई संस्था के यहाँ पे नहीं कर रहे सर, थिएटर में लग रही है, पूरे इंडिया में लग रही है, विदेशों में लग रही है। थैंक यू, बहुत ही क्लियरिटी मिली आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक बार जोरदार ताली, और जैसे कि हमने कहा खाना खाएंगे और डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और आपके मन में जो बात कहना है कह दीजिए, मुस्कुराते हुए मैं सुन लूंगा आपकी बातें, ओके, बट वी मस्ट मीट अगेन। थैंक यू, क्योंकि अभी मैं ही बोल रहा हूँ, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा फिल्म देखने के बाद। थैंक यू सर। लेट्स गो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। Can we just lights off please, पीछे LED screen lights off। दो मिनट रुकिए। So you already are a hero sir। एक बात कहने जा रहा हूँ मैं, ओके, ये रही हमारे पोस्टर के डिजाइन, कुछ लोग चाहते थे मेरे साथ फोटो खिंचवाए पोस्टर के साथ, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा चलिए खड़े हो जाइए, इमीडिएटली फोटो लेते, उन्होंने कहा अच्छा तो आप गोडसे के समर्थक हैं इसलिए गोडसे के साथ खड़े हो गए, अरे यार मैं भागा इधर, तभी अच्छा आप गांधी जी के समर्थक इसलिए गांधी जी के साथ खड़े हो गए, तो लोग ओपिनियन जो बनाते हैं वो कहीं भी ढूंढ लेते हैं, पोस्टर रखा था मैं एक जगह खड़ा हो गया, एक जगह दूसरे खड़े हो गए, तो मैं इसीलिए चाहता हूँ लोगों से अपील करता हूँ, फिल्म देखने जाए कोई मत बना के मत जाइए, ओपन माइंड से जाइए, ओके, थैंक यू। आपके राइट नीचे सर।